वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपका दोस्त आपका होस्ट यहाँ पे आपका स्वागत करता है। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। हम यहाँ पे लेके आते हैं लेटेस्ट न्यूजेस जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी की न्यूजेस होती है उसके बारे में हम बताते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर और मोबाइल की टेक्निक्स ट्यूटोरियल यहाँ पे हम इन्फोटेक हब चैनल पे डालते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे के होते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मोबाइल से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें, इन चीजों का नॉलेज हम यहाँ पे देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इन्फोटेक हब चैनल याद रखिए। वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको यहाँ पे, जिसके अंदर मैं आपको दिखाएंगे कि व्हाट्सएप के अंदर में कुछ फीचर्स जो ऐड हुए हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वर्क होता है। सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर हमें किसी को पिक्चर या फोटो भेजनी है या ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करेंगे और वहाँ से कोई लोग एक या दो लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे या जितने भी लोग आपको सिलेक्ट करने हैं सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होगा ये कि वो नाम से ग्रुप बन जाएगा, यानी वो ग्रुप को फिर यहाँ से हम एक नाम दे देंगे। नाम देने के बाद में जो है वहाँ पे नाम कोई भी एक नाम दे सकते हैं, न्यू ब्रॉडकास्ट नाम दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में होगा ये कि ब्रॉडकास्ट नाम का एक ग्रुप बन जाएगा आपका। अब इस ग्रुप के अंदर में जब हम मैसेज करेंगे तो मैसेज करने से होगा ये कि आप जो है एक ही मैसेज करना है और सभी को जो है सेपरेट सेपरेट मैसेज जाएगा, यानी कि कोई कोई बंदे को ये नहीं लगेगा कि वो ग्रुप में है। हर बंदा, जितने लोग आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किए वो सारे के सारे सेपरेट सेपरेट मैसेजेस जो है ट्रांसफर होंगे, यानी हर बंदे को अलग अलग मैसेज जाएगा। उसके बाद में जो है एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसके अंदर में जो हम देख रहे थे कि व्हाट्सएप का जो है स्टेटस अगर हम चेक कर रहे हैं तो स्टेटस पे जो न्यू लॉगिन होते हैं वो चीज़ें हमको यहाँ दिखती है। उसके बाद में अगर हम कोई फ़ोटो ऐड करते हैं, जैसा कि हमने एक फ़ोटो किसी को सेंड करनी है, हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर में हम कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, यानी फ़ोटो के ऊपर में टाइप कर सकते हैं हम अपना नाम वगैरह। और नाम के अलावा हम जो है इस फोटो के अंदर में जो है पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, इस पर सिलेक्ट करके जो है कोई एक यानी कार्टून का मूवी पिक्चर डाल सकते हैं। उसके अलावा हम उसे क्रॉप कर सकते हैं, यानी जितना पिक्चर हमको चाहिए उतना हम क्रॉप करेंगे यहाँ से क्रॉप ऑप्शन लेकर। और उसके अलावा यहाँ से पेंसिल लेकर हम जो है उसके अंदर में कोई डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर में। व्हाट्सएप के अंदर में ये फीचर अवेलेबल है और फिर हम सेंड कर देंगे इस तरीके से जो है व्हाट्सएप के अंदर में ये फीचर एक और ऐड हुआ है। उसके अलावा जो है हम और एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर में हम कुछ और भी फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि हमने फ़ोटो निकालनी है, अगर हमें अपने ही फ़ोटो के अंदर में कुछ मार्किंग करनी है तो मार्किंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मार्किंग करने के लिए हमको करना एक सिंपल और सीधा एक ये है कि अगर जो है मार्किंग किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात कि अगर हम वीडियो जब सेंड करते हैं तो उसके नीचे हम टाइटल दे सकते हैं, कोई एक नाम देकर सेंड कर सकते हैं। तो उससे होगा ये कि जब हम उसे सेंड करते हैं तो सेंड होने के बाद में ऐसा नीचे में नाम दिखाई देने लगे हैं, यानी किसने सेंड किया है और उसका सेंड करने वाला कौन है। उसके बाद में जो है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने फ़ोटो निकालनी है अपनी फ़ोटो हम निकालते हैं और फ़ोटो निकालने के बाद में अगर हमें कुछ मार्क करना है, यानी हमें किसी को दिखाना है ये फ़ोटो के अलावा, अगर हमने एक एग्ज़ाम का फॉर्म लिया और फॉर्म के ऊपर में उसे रिमार्क करना है तो हम क्या करते हैं उस फोटो को निकाल लेते हैं और वहाँ से पेंसिल लेकर उसे मार्किंग देते हैं और मार्किंग देने के अलावा जो है उसे सेंड कर देंगे, या फिर यहाँ से कोई पिक्चर विक्चर ऐड करके कोई एक कार्टून ऐड करके हम सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है व्हाट्सएप के अंदर में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप यहाँ पे नए नए वीडियो में सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त आपका होस्ट आपका थैंक्स करता है। थैंक यू वेरी मच।